So, hello guys, मैं हूँ नील और आप देख रहे हैं नील्स ब्लॉग। तो एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके, और आज मैं फिर से आ गया हूँ PBS ऑटोमोबाइल में। और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे अच्छे गाड़ी का बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे अच्छे सेकेंड हैंड कार्स का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शिल्पी जी से। तो नमस्ते शिल्पी जी, कैसे हो? हम लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। तो लॉन्ग टाइम नील भाई आया है ये वीडियो ब्लॉग बनाने के लिए। अच्छा। पहली बार आया था, बहुत सारा कस्टमर बोल रहे थे नील भाई क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए उसको बुलाया हूँ फिर से। और अभी जो कलेक्शन में दिखाऊँगा, बहुत सारा कलेक्शन है, छोटा गाड़ी में, हैचबैक में, सीडान में, एक्सयूवी में, बहुत सारा गाड़ी है। हमारे व्यूअर्स का एक बार बता दीजिए आपका ये जो जगह है, शोरूम का एड्रेस वगैरह बता दीजिए। जानते हैं तो फिर से भी बोल रहा हूँ नया व्यूअर्स के लिए, हमारा जो कंपनी है 20 ये आपका कंपनी का नाम है, तो आपका PBS ऑटोमोबाइल, आपका ये इसका एड्रेस है 26 KC एवेन्यू कोलकाता गोड़िया 84। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी एक बार बता। कॉन्टैक्ट नंबर है 6290126585, स्क्रीन में जा रहा है। और आपका ईमेल एड्रेस, आपका मेरा हमारा जो वेबसाइट है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे शिल्पी जी? हमारा अभी आपको मारुति वैगनर के साथ शुरू करेंगे। ओके, तो बता दीजिए इसके बारे में। ये 2010 का गाड़ी है। अच्छा, मारुति वैगनर। ये 2025 तक इसका टैक्स पेड है। ओके। फुल ओरिजिनल पेंट में ये गाड़ी है और इसका प्राइसिंग है ओनली 235। ओनली 235 में आपको फिनिश वैगनर मिल जाएगा। ओके, और इसका टैक्स वगैरह पेड है? सब पेड है। 2010 का गाड़ी है, 25 तक इसका टैक्स पेड है। ऑल पेपर अपटूडेट है। वैसे गाड़ी का कंडीशन मैं देख पा रहा हूँ, एकदम अच्छा ही है। तो गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट गाड़ी में आ जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक होंडा सिटी खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। 2008 का गाड़ी है, होंडा सिटी डॉल्फिन मॉडल है ये। 23 तक इसका टैक्स पेड है और ये जेडएक्स है, एनिवर्सरी मॉडल है। अच्छा, 10th एनिवर्सरी मॉडल है। इसका प्राइसिंग है ओनली 1,77,000, 1,70,000, और किलोमीटर ड्रिवन है ओनली 49। तो ओनली 49,000 किलोमीटर ड्रिवन। गाड़ी पूरा शोरूम कंडीशन में है, गाड़ी में कोई भी स्क्रैच डेंट कुछ भी नहीं है। ओके, और ये कौन से साल का बताया मॉडल? 2008 का गाड़ी है, 23 तक इसका टैक्स पेड है, इंश्योरेंस सब कुछ अपटूडेट है। अच्छा, मतलब इसके ऊपर टैक्स भी पेड है, मतलब ले जाने के बाद कुछ और खर्चा नहीं है? नहीं, सिर्फ पेट्रोल भरेंगे और चलेंगे, और कुछ भी खर्चा नहीं है। अच्छा, और नाम ट्रांसफर, और एक मैं बात पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे नाम ट्रांसफर क्या मैंडेटरी है? बिल्कुल, नाम ट्रांसफर के बिना हम गाड़ी सोल्ड नहीं करते हैं। अच्छा, टाइम देते हैं 15-20 डेज 30 डेज, मगर नाम ट्रांसफर करना ही होगा। ओके, और नाम ट्रांसफर का जो भी चार्जेस है वो अलग से देना पड़ेगा, राइट? देना होगा, कस्टमर के देना होगा। अच्छा, सो गाइस, अभी हम लोग अगला गाड़ी में आ गए हैं। यहाँ पे एक सुमो खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल्स एक बार जान लेते हैं। तो इसका डिटेल्स बता।
करना इम्पॉसिबल है। अच्छा। जो जिस कस्टमर का जो गाड़ी आपका इंक्वायरी है फ़ोन कीजिए, एटलीस्ट फ़ोन कीजिए, कॉलिंग कीजिए, हम लोग आपको वो रिक्वायरमेंट पूरा कर देंगे। ओके। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए कि मतलब बुकिंग प्रोसीडियर कैसा है ऑनलाइन में? जो ऑनलाइन बुकिंग प्रोसीडियर है, देखिए सर, अभी जो मार्केट में फ्रॉड चीटिंग आ रहा है, अच्छा, बहुत कस्टमर चाहते हुए भी ना कर सकते, ये बुकिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि बस वो तो हमारा तो फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुआ, तो वो सोच सकता है फ्रॉड हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा, वो सिर्फ उसके लिए ये मैसेज छोड़ना है। अभी अब जो बुकिंग करेंगे जो भी गाड़ी, अच्छा, पहले उसका डॉक्यूमेंट वो मुझे व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, उसका आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, जो भी हो, अच्छा, शेयर करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो कंपनी का जो अकाउंट नंबर है, कंपनी का अकाउंट नंबर उसको शेयर करूँगा, अच्छा, उस अकाउंट में वो उसका पेमेंट डाल सकता है। 5,000 मैक्सिमम 5,000, 10-20,000 ढालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 बुकिंग कर दीजिए तो फिर गाड़ी एटलीस्ट आपके लिए 2-4 दिन वेट बुक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप आएंगे, आके डिसीजन ले लेंगे। ओके, और अगर पसंद नहीं आया तो रिफंड भी कर देंगे? हाँ, अगर आके मैकेनिक के साथ आएंगे, उसके बाद अगर पसंद नहीं हुआ, ओके, वो पैसा रिफंड हो जाएगा, वापस रिफंड हो जाएगा। और कोई भी आके दूसरा कोई गाड़ी पसंद हो जाएगा तो एडजस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, मतलब सब कुछ ही फैसिलिटी आप दे रहे हैं बाहर का कस्टमर के लिए, जो दूर से है अभी तुरंत नहीं आ सकता है। ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है हम लोगों का, लाइक जो लोग सपोज कि वेस्ट बंगाल के बाहर रहते हैं, तो उनको क्या मतलब उनके लिए क्या लोन वगैरह सब हो जाए? उसके लिए कोई भी लोन नहीं होता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए हमारा लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल के बाहर का जो है उसको कैश ही परचेस करना होगा, कैश वो ऑनलाइन परचेस करना होगा। ठीक है। और इधर गाड़ी बहुत सारा फैसिलिटीज है, आप चाहेंगे तो आपका गाड़ी परचेस करना नहीं है, सिर्फ सोल्ड करना है, तो फिर आ जाइए, सोल्ड हम लोग खरीद देंगे आपका जो गाड़ी है। आप फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप में आपका फ़ोटो डालेंगे, उसके बाद हमारा जो इंस्पेक्शन वाला है आपको घर में पास जाएंगे। अच्छा। अब जो डील होगा ऑन द स्पॉट होगा, जिस पेमेंट मोड भी आपका इच्छा में ही होगा। अगर आप कैश चाहेंगे तो कैश में डील हो जाएगा, अगर आप ऑनलाइन भेज सकते हो ऑनलाइन भी हो जाएगा। तो मतलब व्यूअर्स आप लोग सुन पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी सेल ही नहीं होता, परचेज भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, सब कुछ होता है। ओके, मतलब गाड़ी अगर आपको बेचना है तो आप यहाँ पे आके आपका खुद का गाड़ी बेच भी सकते हैं, और अगर एक्सचेंज करना है किसी और गाड़ी के साथ तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। तो एक बार शोरूम में आइए, विजिट कीजिए, जो भी आपको करना है एक बार यहाँ पे आके शिल्पी जी से बात कीजिए। ऑथेंटिक होगा। अच्छा, मतलब जो भी आपको करना है एक बार शोरूम में विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद शिल्पी जी से बात कीजिए, अगर परचेस करना है, सेल करना है, एक्सचेंज करना है, कुछ भी, उसके लिए एक बार बात करना पड़ेगा आपको। ओके, सो गाइस, अभी अगला गाड़ी में आ जाते हैं, यहाँ पे एक महिंद्रा का XUV खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं शिल्पी जी से, तो इसका एक बार डिटेल्स बता दीजिए। महिंद्रा का XUV 500 आपका W8 है। अच्छा। वाइट कलर में है, फुल वाइट कलर में है। ओके। और ये आपका 14 का गाड़ी है। अच्छा। 24 तक इसका टैक्स पेड है। ओके। और किलोमीटर ड्रिवन है इसका ओनली 51। ओनली 51,000 किलोमीटर चला हुआ है जो गाड़ी ये परचेस करेगा। अच्छा। फुल शोरूम कंडीशन में है ये। और इसका आस्किंग प्राइस है ओनली 8,20,000। ओके, ओनली 8,20,000। तो गाइस, अभी हम लोग अगला गाड़ी में आ जाते हैं, यहाँ पे एक शेवरले का ट्रैवेरा खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल्स ले लेते हैं, तो इसका डिटेल्स बता दीजिए। ये शेवरले का ट्रैवेरा है। अच्छा। ये हिल एरिया में बहुत डिमांडेबल कार है। अच्छा। हिल एरिया में बहुत चलता है ये गाड़ी। और 2012 का गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स है, और इसका किलोमीटर ड्रिवन है ओनली 75। ओके, ओनली 75,000 किलोमीटर ड्रिवन चला हुआ है। और इसका आस्किंग प्राइस रहेगा आपका ओनली 3,25,000। ओनली 3,25,000। मतलब ये गाड़ी हो, मतलब जो बड़ा फैमिली है उनके लिए है। ये 9-सीटर कार है, जो जिसका फैमिली ज्वाइंट फैमिली हो वो खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई कोई तो मतलब गाड़ी खरीद के ये सब गाड़ी रेंट पे भी चलाते हैं। हाँ, रेंटा कार में दे सकता है। मतलब ये वाला भी गाड़ी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में ऑफर कर रहे हैं। कलर भी बहुत ही सोबर कलर है। अच्छा। गोल्डन बेज कलर है। ओके। और इसका भी मैं देख पा रहा हूँ कोई भी स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भी गाड़ी है हमारे पास पूरा फुल शोरूम कंडीशन में ही है, जो जो गाड़ी है। वैसे मैं देख पा रहा हूँ टायर भी इसका एकदम नया है, गाड़ी का मतलब टायर में आपको व्हील
पिकअप भी लगेगा okay. अभी ऑर्डर किया है अच्छा। लग जाएगा। तो जो भी है आप लोग सब कुछ करके ही गाड़ी डिलीवरी देते हैं। ये एक ओमनी वैन है तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो इसका डिटेल्स बता दीजिए। ये 2009 का गाड़ी है अच्छा। मारुति का ओमनी वैन 5 सीटर कार है okay. बहुत ही पॉपुलर कार है हाँ? बहुत ही डिमांडेबल कार है ये। और ये इसका 2009 का गाड़ी है, 24 तक इसका टैक्स पेड है अच्छा। और ये 5 सीटर कार है okay. सिल्वर कलर सजा हुआ कार है, आप देख ही सकते हो। उसका हेडलाइट क्रोम सब कुछ लगा हुआ है हाँ? इसका प्राइसिंग है ओनली 1,15,000 only 1,15,000 में ये गाड़ी आपको मिल जाएगा। और ये गाड़ी का भी मैं देख पा रहा हूँ कि कंडीशन बहुत अच्छा है, टायर भी यहाँ पे नया ही लगा हुआ है। और ये कितना किलोमीटर ड्रिवन बताया कार है, ये कितना किलोमीटर ड्रिवन बताया आपने? ये 66,000 किलोमीटर। वैसे ये गाड़ी का कंडीशन हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है जिस प्राइस में आप ऑफर कर रहे हैं। नौ का गाड़ी है और ये पेट्रोल भी है और LPG भी है ओके okay, मतलब LPG दोनों में ही होगा भी चला सकते हैं ओके okay, मतलब ये इसमें पेट्रोल भी है LPG भी है ओके okay. मतलब जिसको अभी तो पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ गया है तो उस हिसाब से हाँ LPG के साथ चला सकते हो तो okay. मतलब दोनों ही एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा करने का जरूरत नहीं है राइट ओके सो गाइस अभी अगला जो गाड़ी दिखाएगा वो दिखाएगी गोधुली जी ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक स्कॉर्पियो खड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ये 2013 का कार है, 2023 तक टैक्स पेड है अच्छा। इसका आपका किलोमीटर है 95,000 और ये देख ही पा रहे ब्लैक बीस्ट है। मतलब ये वाला गाड़ी भी मतलब टूरिंग के लिए बहुत ही अच्छा गाड़ी है। पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडोज है अच्छा। और AC एकदम ठीक ठाक है सब कुछ, ऑल पेपर्स आर ओके अच्छा। और ये मतलब किलोमीटर भी उतना रन नहीं किया, मतलब इस बड़ा गाड़ी के हिसाब से। और ये वैसे महिंद्रा का ब्रांड है तो गाड़ी भी बहुत ही अच्छा है। गाड़ी 2013 का दिसंबर का है अच्छा, मतलब कि 2014 बोल सकते हैं। और गाड़ी का कंडीशन मैं देख पा रहा हूँ वैसे एकदम अच्छा ही है, मतलब जो सामने से आके देखेगा तो पसंद आ जाएगा गाड़ी। इसका प्राइस है आपका 5,95,000 ओके। सो ओनली 5,95,000 में ये वाला गाड़ी ओके। और मतलब थोड़ा बहुत तो नेगोशिएशन हो ही जाएगा, तो ऑन टेबल हो जाएगा ओके। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर गाड़ी आपको पसंद है तो आप आइए ठीक है, पहले गाड़ी पसंद कीजिए, प्राइस का जो भी है वो बाद में होगा ऑन टेबल। तो प्राइस ज़्यादा कम ये सब थोड़ा बहुत हो जाता है, मगर पहले आप गाड़ी देखिए कैसा कंडीशन में है, अगर आपको पसंद आया तो आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद जो भी प्राइस वगैरह होगा वो ऑन टेबल डिस्कशन में हो जाएगा। आप लोग अगले गाड़ी में चले आते हैं, यहाँ पे देख पा रहे एक अर्टिगा खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। ये एक ब्लैक कलर का अर्टिगा है, ये 2016 का मॉडल है, 2026 तक टैक्स पेड है अच्छा। और ये इसका प्राइस है 6,50,000 एंड 59,000 किलोमीटर्स ड्रिवन। ये भी बहुत ही कम चला हुआ गाड़ी कंडीशन में है okay. और बॉडी ओके है, पेपर्स ओके है अच्छा, मतलब पेपर्स वगैरह सब कुछ इसका ओके है। और इसका कंडीशन भी मैं देख पा रहा हूँ एकदम मतलब टॉप क्लास ही है, इसमें भी एक भी स्क्रैचेस वगैरह कुछ भी नहीं है राइट। और इसका मतलब इंटीरियर वगैरह ये भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से एकदम पूरा फ्रेश ही कंडीशन में है गाड़ी। मतलब जो देख अगर तो पता नहीं कभी कभी क्या होता है कि वीडियो में ठीक से गाड़ी दिखता नहीं, मतलब कस्टमर अगर आके खुद सामने से देखेंगे तो गाड़ी का मतलब कंडीशन पता चल हाँ। और गाड़ी की मतलब वैसे मतलब मेरे सामने जो गाड़ी खड़ा हुआ है मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ एकदम फ्रेश कंडीशन में ही है गाड़ी, मतलब इसका टायर्स वगैरह भी एकदम नया कंडीशन में ही है ओके। और इसका प्राइस भी आपने बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर किया। सो गाइस अभी हम लोग अगला गाड़ी में आ गए हैं, ये यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक वाइट कलर का फॉर्चूनर खड़ा हुआ है जो कि बहुत ही फेवरेट गाड़ी होता है, तो इसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। 2014 का कार है, 2024 तक टैक्स पेड है अच्छा। ये वाइट कलर का फॉर्चुनर है, इसका आपका किलोमीटर्स ड्रिवन है 76,000 ओनली ओके। एंड इसका प्राइस आ रहा है आपका 15,50,000, इसका प्राइस था 16,00,000 ओके। और इस गाड़ी का भी मैं कंडीशन देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छा कंडीशन में है गाड़ी, और गाड़ी तो टोयोटा का है, उसके बाद और कुछ बोलने का है नहीं क्योंकि इंजन वगैरह जो भी है टोयोटा का एकदम अच्छा होता है राइट। और इसका मतलब ड्रिवन कितना बताया आपने? 76,000 किलोमीटर्स ओनली 76,000 किलोमीटर ड्रिवन ओके।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।